कोई बिजनेस ना खोला, बल्कि मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। ये तीनों सुबह से रात तक चौक पे बैठ के जुआ खेले हैं, जुआ। तुम्हारे सामने अब ताश फेंक रहा हूँ और मैं कभी इसको जिंदगी में कभी भी हाथ नहीं लगाऊ। क्योंकि भैया बिस्तर पर ना ही है, ये काम मत बल, वो फिर से जुआ खेलने चले गए। सही बात है अंगूरी जी, मुझे भी यही डर है, कहीं विभु मुझे ही ना जुए में हार जाए। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम बाहर मत जाओ, घर पे खेल लेते ना। तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा मैं। एक मिनट अंगूरी जी, सॉरी, लेकिन मेरे पास 3 इक्के हैं। आ गए ग्रेट गैम्बलर, ले आए। हाँ अंग्रेजी लाए ना, सील पैक, लास्ट टाइम की तरह नहीं, वो अंग्रेजी बोतल में आपने वो देसी डाल दी थी जो। यार अंग्रेजी लाए हैं, पूरे 400 रुपए की बोतल है, शायद आपकी औकात भी नहीं है। अच्छा चखना लाए हैं, ये देखिए क्या है। भाभी जी ने बनाया आपने? अरे अनु उठ के कॉफी नहीं बनाती अपने लिए, चखना खाक बनाएगी शराबियों के लिए। मैंने बनाया, अनु घर में है भी नहीं, गई हुई है। अंगूरी भी तो नहीं है, ये दोनों साथ में तो नहीं गई है, पता नहीं। साले कलवे, तो के कच्चे बनियान ना उतरवाए ना, तो मोको नाम भी मलखान सिंह ना है को। मम्मी भाई मेरी 500 की चाल। अरे यार ये तो जुआ खेल रही है, और वही मोहल्ले के लफंगों के साथ। ये भाभी जी के पत्तों पर मेरे 10 रुपए आ रहे। ई रहा हमरी तरफ से ई 1000 का चाल। बैंड खेल रही है देखो यार। अब भाभी जी जे बात आ रही तो भैया भाभी जी की तरफ से मो की भी 10 रुपए की चाल आ गई। भाई वाह, तुम दोनों तो बड़े कमाल की जुआरन हो, हा? बड़ा मजा आ रहा है आप लोग के साथ जुआ खेलने का। अबर ना वो विभूतिया और वो कच्चा बनियान, तो दोनों टच्चे जुआरी है, टच्चे। साला प्रेम चौधरी। अच्छा ठीक है आप अपनी चाल चलिए। हाँ चलिए। ये 1000 की चाल और मैं शो करता हूँ। तिया चौका पंजा। ये बाजी तो मेरी हो गई भाभी। रुके रुके हदिया। अभी तो अनीता जी अपने पत्ते दिखाए भी नहीं है। अच्छा दिखाइए अनीता जी। मेरे पास है गुलाम बेगम बादशाह। तेरी की ये बाजी भी आप ही मार गई। अरे क्या नीता जी, अभी तो हम अपने पत्ते खोले भी ना ही हैं। ये बाजी तो हमरा है, दिखाएं। ये देखिए बेगम बादशाह और इक्का, वो भी एक रंग में। अरे अरे वाह गुरु जी, ये बाजी तो सच में आप ही जीत गए। भाभी जी जे का कर दियो आप ना, कमाल कर दियो। अरे जी अनीता जी वो देखे ले कि भैया और भरभूती जी हिलो। अरे विभू तिवारी जी आइए आइए, आप भी आ जाइए, जॉइन अस। नहीं नहीं, वी आर गुड नाइस। आइए ना, काहे सर मारे हैं, कितना मजेदार गेम चल रहा है, आइए। अबे कच्चे बनियान और विभूति सालों, तुम दोनों तो एक नंबर के लल्लू जुआरी हो। तुम दोनों से अच्छा जुआ तो ये भाभी जिया खेलती है, दोनों अच्छी जुआरन है। हाँ अनु चलो सनाफ घर चलो। अरे ऐसे कैसे घर चलूं, अभी तो गेम में मजा आना शुरू हुआ है। हाँ भरभूती जी लड्डू के भैया अभी तो महफिल शुरू हुआ है। आइए ना आप दोनों भी आ जाइए, दो दो हाथ खेलिए हमारे साथ, आइए। नहीं नहीं लड्डू के भैया आइए ना। आइए आइए चलिए। जाने दीजिए ना अंगूरी जी, आप बांटिए चलिए। हाँ ठीक बा, चलिए। पिकअप गॉड, इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, ये मेरा फोन नहीं उठा रही है। जुआ खेलने मशगूल है। कैन यू बिलीव दिस, ये लो
अब इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अरे बाबा, फोन स्विच ऑफ नहीं किया, फोन स्विच ऑफ हो गया। जो मैं मिस कॉल दे रहा हूँ एक घंटे से, उसका क्या क्या हुआ ना विभू? मेरा फोन साइलेंट पे था और बाजियां इतनी इंटरेस्टिंग थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि फोन स्विच ऑफ हो सकता है। अनु, 12 बज रहे हैं, ये टाइम है घर आने का। आई नो विभू, लेकिन जुआना कमबख्त चीज ही ऐसी है, जब बाजियां इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ये कुछ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ज्यादा कहाँ हुआ, मैं तो जल्दी आ गई। वो हुआ क्या कि प्रेम, टीका, मलखान, उनके पास पैसे ही खत्म हो गए, वरना ये महफिल तो सुबह तक चलती। पता है, मैंने और अंगूरी जी ने लोगों की जेबें खाली कर दी। प्रेम तो बड़ा पक्का जुआरी है यार, तो पत्ते घुमा देता है। विभु, हमने प्रेम को घुमा दिया। हेलो, शतान ने नाम लिया, उसका फोन आ गया। हाँ बोल प्रेम, क्यों फोन किया इतनी रात को? तेरे को चैन नहीं है क्या इतनी रात को भी? चल चल विभूति, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तो भाभी जी से बात करनी है। हाँ। तुझे क्या बात करनी है अनु से इतनी रात को? ओह, प्रेम का फोन है क्या? हाँ हाँ, मुझे बात करो, मुझे बात करो। तुझे क्या बात करनी है इससे? अरे पापा, कल के जुए का स्केड्यूल डिसाइड करना है। पुट ऑन स्पीकर। हाँ प्रेम बोलो। वाह वाह भाभी जी, मजा आ गया, क्या खेल खेला है आपने, मैं तो ताज्जुब में हूँ, आज तक मुझे कोई हरा ही नहीं पाया। बस खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं भाभी जी, आप तो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हो। अच्छा ये बताइए, फिर प्लान क्या है कल का? कल वही मिलते हैं 8 बजे। अच्छा ठीक है, डन। वैसे क्या घूर रहे हो? अल्लाह जी के भैया, हम आ गए। अनीता जी, हदिया। हेलो। अरे अंगूरी जी, हेलो। इतनी रात को अभी तक आप सोए नहीं? नहीं सोए, वो कहा है कि हमको तो नींद ही नहीं आ रहा है। वैसे ना नींद तो मुझे भी नहीं आ रही आज। तो हम कहा बोल रहे थे, आ जाइए ना लोन में, हो जाए दो दो हाथ और। आपका मतलब है लॉन में? ऐसे ही पकड़े हैं, आइए ना खेलते हैं। और सुनिए नीता जी, अपने साथ ना चखना ले आइए, और बाकी का इंतजाम हम कर लेते हैं। ग्रेट आइडिया, ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ। अंगूरी। हाँ बोलिए ना। अंगूरी, तुम जुआ खेल के इतनी रात को घर लौटी हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? ना ही भरा लड्डू के भैया, वो कहा है कि हमको और खेलना है। अंगूरी, हमने बड़े बड़े जुआरी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी जुआरन पहली बार देखी। थैंक यू फॉर कॉम्प्रोमाइज। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता है एलिजाबेथ टेलर। ऐसे ही पकड़े हैं। लड्डू के भैया सुनिए, हम ना आंगन में एक और बाजी खेलने जा रहे हैं। हाँ। हमरे लिए ना 2 ग्लास, एक जग में पानी और थोड़ा सा बर्फ ले आइए। चली क्यों इतनी रात को? अरे जुआ खेल रहे हैं, एक आध ड्रिंक होगा, ड्रिंक के साथ तो चखना जरूरी है ना। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। ज्यादा क्या हो रहा है, तुमने क्या पहले कभी पी नहीं? हाँ, इतने इनोसेंट मत बनो, जल्दी से चने भूनो और क्रिस्पी एंड स्पाइसी। आई एम इन द लॉन। ठीक बा, और जल्दी लाइएगा, वो कहा है ना कि हमको बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है, जल्दी आइए। हद कर दिए यार इस अनु ने और भाभी जी ने, पर अभी भी जुआ खेल के आई हैं, रात को 12 बजे फिर इन्हें उचाट लगी जुआ खेलने की, वो शराब और चने के साथ। यार चूहे का इतना जुनून तो हमें भी नहीं है यार। तिवारी जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? अरे हमें खुद नहीं पता क्या नौटंकी चल रही है यार। तिवारी जी, भाभी जी इतनी बड़ी खेलू निकलेंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तो हमने कहां सोचा था,
कि भाभी जी इतनी बड़ी जुआरन निकलेंगी। बॉटम लाइन इज कि ये दोनों बहुत बड़ी खेलू हैं। हमारा तो जीना हराम हो गया, बताइए। अंगूरी जब से जुआरन बनी है हमें खाना नसीब नहीं हो रहा। हम कहते हैं अंगूरी भूख लगी है खाना बनाओ, कहती है चखना खा लो। मुझे भी कितना परेशान कर रखा है उन्होंने। अब देखिए ना, रात को 12 बजे उसके लिए चने भून रहा हूं। सर आप तो है इस काबिल, कुछ बका आपने। हमने कहा आप तो खाना वाना बनाने के आदी है ना। देखिए तिवारी जी, चूल्हा चकले का कोई वक्त होता है, टाइम टेबल होता है। रात को 12 बजे चने भुनवा रही मुझसे। विभू चने बनाने गए हो कि उगाने गए हो? अवन में बेबी कमिंग कमिंग। ये लीजिए फरमान आ गया उनका। सुनिए लड़के भैया, जल्दी से बर्फ लाइए। लीजिए यहाँ भी फरमान आ गया। चलिए। वाह वाह वाह, मजा आ गया अनीता जी, ये तो बहुत ही मीठा है। गौरी जी मैंने एप्पल जूस डाला है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये लोग समझ जाएंगे। आप ऐसे ऐड कीजिए ना जैसे कि शराब है कड़वी सी। ठीक बा ठीक बा। और वैसे भी ना इन दोनों ने बहुत ही परेशान किया है हमको, अब हमारी बारी है इनको सबक सिखाने का। लेकिन ये लोग रह कहाँ गए पता नहीं। बिबो कहाँ रह गए? चकना ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। अरे ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ यार। तुम तो हथेली पे सरसों जमा देती हो यार, ये लो ले आया। हेलो भाभी जी। भाभी जी आप पत्ते खेलने में इतनी मशगूल हैं कि आपने मेरे हेलो का जवाब भी नहीं दिया। हेलो हेलो अनीता जी, आप पैक्स बनाइए ना। भाभी जी पैक ऐसे ही पकड़े हैं, मैं पैक बनाती हूँ, आप पत्ते बांटिए ना। हाँ ठीक बा। हेलो भाभी जी। क्या तिवारी जी, ये हेलो बोलने का टाइम है क्या? हमको पता है भाभी जी, हेलो करने का टाइम नहीं है, ये तो पत्ते खेलने का टाइम है। ये कितनी बर्फ डालूं पगली? 3 ठो डाल दीजिए। 3 ठो ये लीजिए, काटिए अनीता जी। और भाभी जी आपकी कितनी बर्फ डालूं? डालिए ना, 1-2 तो डालिए। पानी उसकी कोई जरूरत नहीं। Cheers. देखा आपने, दोनों ऑन द रॉक्स पी रही है, हमारा तो खून पी रही है। तो ये रहा हमरा अशोक का ब्लंट। अभी जी ब्लाइंड ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा जी, तो मेरा भी 100 का ब्लाइंड। और हमरा 500 का। मेरा भी 500 का ब्लाइंड। हमरा 1000 का। तो मेरा भी 1000 का ब्लाइंड। क्या आप लोग घूर क्यों रहे? आइए ज्वाइन करिए हमें। पत्ते खेलने का भी वो टाइम होता है, ये टाइम तो सोने का है, हम तो सोने जा रहे हैं। आप लोग खेलिए। चलिए तिवारी जी। अरे चलिए ना यार। डालिए डालिए अंगूरी जी, बोलिए क्या कहती है, 2000 की चाल। हाँ हाँ, हमरी भी 5000 की चाल। तिवारी जी, जिन हाथों में करछी बेलन चिमटा हुआ करता था, उन हाथों में जाम काश के पत्ते। तिवारी जी देखा नहीं जा रहा मुझसे तो यार। क्या बताएं भभूति जी, भाभी जी के सफेद हाथों में ब्लैक कॉफी हुआ करती थी, उन हाथों में जाम देखकर बहुत दुख हुआ भभूति जी, बहुत दुख हुआ। और इस सब का जिम्मेदार वो प्रेम कमीना है, आने दोस्त को आज। क्यों रे फालतू खोरो, कैसे याद किया मुझे? सबसे बड़ा मुफ्त खोर फालतू खोर तू है, तू तू। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू, विभूति है। विभूति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
आप हमारी बीवियों के साथ जुआ काहे खेलते हैं? मैं नहीं खेलता, बल्कि भाभियां खुद मेरे साथ जुआ खेलती है। तो तू उन्हें मना नहीं करता है बे? जुए का नियम है सालों, अगर कोई दुश्मन भी आकर खेले तो हम उसे भी मना नहीं कर सकते, बल्कि हम उसका भी स्वागत करते हैं। ऐसा है प्रेम जी, आज के बाद आप हमारी बीवियों के साथ जुआ नहीं खेलेंगे, समझे? अरे ओ कच्चे बनियान, हार विभूति है, अगर कंट्रोल ही करना है तो जाकर भाभियों पे करो। भाभियों पे तो कंट्रोल हो नहीं सकता है, और मेरे साथ फालतू की बकवास कर रहे हो। अरे दादा, अरे ठहर जाओ यार, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है, आप बताइए आप कहाँ से आ रहे निछावर खा के? तुम्हारी अम्मा के घर से खा के आ रहे निछावर, तुम्हें तकलीफ है सुतर? हमारी अम्मा खिलाती नहीं निछावर किसी को, वो सिर्फ खाती है। मतलब यही कहना चाह रहे थे ना आप? शराब तिवारी जी लगी ऐसे ही मिर्चा हमें लगती है जैसी सुतर तुम्हें अबे लगी। खैर छोड़ो सुतर, जो बताओ हमें पता चलो है कि आजकल जो मोहल्ला में जुआ खेलो जा रहा है। नहीं नहीं दरोगा जी, यहाँ कोई जुआ नहीं होता। अच्छा तो हम ऐसे ही तो चिल्ला रहे हैं, हमें सब पता है, पूरी खबर मिली है हमें कि रात में तो जुआ खेलो जा रहा है। और ससुर आदमी इनकी तो छोड़ो, जब खेल में औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं ससुर। खैर छोड़ो, वो जो भी है बच के ना जा पाएगा, थाने जाएगा सीधो। और औरतें भी? हाओ औरतें भी महाराज। हम कब से यहाँ भूखे प्यासे घर में बैठे हैं और अंगूरी को कौन, हमारी चिंता ही नहीं है, खेल रही होगी जुआ और क्या। पर अलड़की भैया आप कब आए? हम तो कब से यहाँ बैठे हैं पगली, तुम घड़ी देखो तुम कब आई। I'm sorry लड़के भैया, वो कहा है ना कि जुए का बाजी ना थोड़ा लंबा हो गया था। घुइया लंबा हो गया था, तुम्हें हो क्या गया पगली है? तुम्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे सब छोड़िए लड़के भैया, वो कहा है ना कि हमको आपसे एक तो जरूरी बात करना है। क्या बात करना है? कहा है कि आज हम जुए में हार गए। हार गए तो तुमने पांव दबा दे? नहीं नहीं कछु और हार गए। अरे का हार गई? आज ना हम जुआ में टिल्लू भैया से आपको हार गए। वाह ये तो यही डिजाइन बनाकर सो रहे हैं। विभो विभो विभो। अनु तुम? हाँ मैं, क्यों तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं किसको एक्सपेक्ट करूंगा यार? नहीं जैसे गुलफाम कली को। ये क्या तुम बेतुकी की बातें कर रही हो यार? शिकायत मुझे तुमसे करनी चाहिए कि तुम इतनी रात को लेट आई हो, वो भी जुआ खेल के, और तुम चढ़ने की कोशिश कर रही हो मुझ पे ही। तो तुम भी तो जुआ खेल कर लेट आते थे अक्सर। मैं तो मर्द हूँ। अच्छा तो सिर्फ मर्दों को ही लेट आना जुआ खेलना अलाउड है? हाँ औरतों को नहीं। औरतें घर की शोभा होती है। औरतें घर की शोभा नहीं, आपकी नजरों में घर की तितलियां होती हैं, जिनके साथ आप मर्द थोड़ी देर खिलवाड़ करते हैं फिर चले जाते हैं बाहर अय्याशी करने, और वो बेचारी घर में पड़ी पड़ी तड़पती रहती है। क्या सेंसलेस बात कर रही हो तुम यार? मैंने तुम्हें कब घर की चार दीवारी में कैद करके रखा हुआ है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये कि औरत घर की शोभा होती है, जब उसके कदम घर के बाहर भटकने लगते हैं तो लोग ताने देते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या सोचते हैं, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? देखो मेरी सोच इस वक्त ब्लैंक हो चुकी है, आई कांट थिंक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है एनीवे डजंट मैटर, मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी एक्चुअली। बोलो। एक्चुअली मैं हार गई। तुम हार गई मतलब तुम थक गई ना? लो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूं। नहीं 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 तुम्हें अब मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब किसी और के पैर दबाने होंगे। किसके पैर दबाने होंगे? सक्सेना जी के। अब तुम सक्सेना जी के हाथ पैर दबाना। अनु लगता है कि तुमने आज कुछ ज्यादा लगा ली, तुम अपने होश आवाज में नहीं, कभी बहकी बहकी बातें कर रही हुई है।
गुलाम भैया, भाभी माँ बिल्कुल नशे में नहीं है, पूरे होशो हवास में है। बल्कि होशो हवास तो अब आपके उड़ने वाले हैं। ये पगला क्या कर रहा है यहाँ पे? विभू, तमीज से बात करो, ये अब तुम्हारे मालिक हैं। ये पगलाट मेरा मालिक कब से हो गया? वो एक्चुअली मैं सक्सेना जी से जुए में हार गई और मैंने जुए में तुम्हें दाव पे लगाया था। This is the limit. तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कोई बेजान चीज जिसे तुम जुए में हार जाओगी? अनु अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। I will not take it anymore. गुलाम भैया, अपने मालिक के घर चलिए। पता चलेगा बच्चों को। ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़िए, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। विभूति भैया, आप भूल रहे हैं कि आप मेरे गुलाम हैं। पगलेट, मुझे मेरी बीवी से जुए में जीतने के बाद तू समझ रहा है कि मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा? ये तेरी गलत फहमी है। तेरी औकात नहीं मुझे गुलाम बनाने की, गुलाम बनाने की, गुलाम बनाने की, समझा तू? भैया क्या है कि जो गुलाम होते हैं ना, वो मारते नहीं है, मार खाते हैं। I like it.